नमस्कार। जूम के सारे दर्शकों को मनमोहन तिवारी का ढेर सारा प्रणाम, खूब सारा प्रणाम, बेहद मोहब्बत। ये जो किरदार है जिसका नाम वीरेन है, ये बड़े मज़ेदार चरित्र है। मज़ेदार को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि अगर संगीत में 7 सुर होते हैं तो ये 8वां सुर है, और उस सुर की कल्पना जो है वो आप कर नहीं सकते हैं कि वो ऊपर से बजेगा, नीचे से होगा, दाएं से आएगा, बाहर बाएं से आएगा। तो ये किरदार जो रघुवीर शेखावत जी ने रचा है, इसकी कल्पना बड़ी ही अद्भुत है, और अद्भुत इसीलिए है कि ये कुछ भी कर सकता है, इसकी स्काई इज़ अ लिमिट। तो वो ये किरदार है, इस तरह का किरदार अगर किसी अभिनेता को मिल जाए तो मतलब हमारे जैसे दुष्ट आदमी को मिल जाए तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और ये सीरियल आनंद से भरा हुआ है, मैसेजेस से भरा हुआ है, संस्कार से भरा हुआ है, सभी लोग, पूरा परिवार इसे बैठ करके देख सकता है, ये इस सीरियल की खास बात है। कहानी बहुत प्यारी है भाई। कहानी हम लोग पौराणिक कथाओं में और हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं श्रवण कुमार की कथा, और ये आज के श्रवण कुमार की कथा है जिसका नाम श्रवणी है, जो एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से हम संस्कारों को जोड़ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाई निसंदेह ये कहानी बहुत प्यारी लगी हमें, और इसीलिए हम इससे जुड़े। ये बच्ची बहुत पॉजिटिव है, और इसकी पॉजिटिविटी आप लोग इस प्रोमो में भी देख सकते हैं, और इसकी पॉजिटिविटी, इसकी सकारात्मकता, इसकी मुस्कान, इसकी मिठास, और जो इसकी अप्रोच है वो इतनी सकारात्मक है कि पूरा उसका पूरा जो सेट है वो श्रवणी में हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सेट ही नहीं और हम ही लोग नहीं, पूरी जनता अगर श्रवणी में होगी तो बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होगा, अच्छी नॉलेज का, अच्छे ज्ञान का, और हम लोगों को अच्छे व्यूवर्स मिलेंगे। लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ये सीरियल भी हिट होगा और हमारी जो एक मंशा है वो भी हिट होगी। ये जो टीम आई हम लोगों के यहाँ नैप की, और उन्होंने अपने जो कर्तव्य दिखाए या उन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी दिखाई कि भले ही वो देख नहीं पाते हैं पर वो अक्षम नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मैंने देखे भी हैं, जाने भी हैं, कि अगर थोड़ा भी धुंधला हो जाती है उनकी नज़रें और उनको दिखाई नहीं देता तो वो नीरस हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो मुहिम है इनके द्वारा, जो नैप के द्वारा चलाई जा रही है, जो एजुकेशन चलाया जा रहा है, जो उनकी शिक्षा पद्धति है, वो ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसकी जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो इसकी जो खुशबू है, ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और मुझे लगता है आप लोग बहुत बड़ा माध्यम है, पहुँचेगी तो लोग अगर आंखें चली गई हैं तो दुखी ना हो भाई, और अगर वो इसमें असमर्थ हो रहे हैं देख पाने में तो एक बहुत अच्छा संस्थान है, बहुत सारे लोग हैं, एक पद्धति है, एक शिक्षा है जिसके थ्रू आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं, वापस से खड़े हो सकते हैं, वापस से चल सकते हैं। तो ये मुहिम को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।